हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ हम लोगों ने शुरू करी है वो पूरे 180 से लेकर 200 वीडियो तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस स्टेट में आयुष मिनिस्ट्री जो है योगा उत्सव आयोजित कराने वाली है, ऑर्गेनाइज कराने वाली है? नागालैंड, दिल्ली, मिजोरम या आसाम? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से आप देख पाओगे आयुष मिनिस्ट्री टू सेलिब्रेट योगा उत्सव, और ये कहाँ होगा यहाँ से देख सकते हो आप, आसाम गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज, यानी कि आसाम में ये आपको देखने को मिलेगा। आसाम के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में शायद ये पूछा जा सकता है। तो देखिए हेमंत बिस्व शर्मा इनका नाम है, और ये पहले कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी के ये चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडियाज फार्मर्स एक्सपर्ट्स ग्रोज बाय, आपको बताना है कि 2013-14 से लेकर अब तक फार्मा की ग्रोथ रेट कितनी बढ़ चुकी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 103% तक हम लोगों ने ग्रोथ को बढ़ा लिया है। देखिए इंडिया जो है ना पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में, वर्ल्ड में यूरोप भी आता है, सारे जगहों पर दवाइयाँ हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारा पैसा उससे रेवेन्यू जो है इंडिया जनरेट करता है। तो फिलहाल जो राइट आंसर है वो 103 हो जाएगा, यानी कि 103%। यहाँ से भी आप देख सकते हो इंडियाज फार्मर्स एक्सपर्ट्स ग्रोस 103% इन 8 ईयर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन इनवैलिड है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वियतनाम एंड विच कंट्री एग्री टू बूस्ट ट्रेड सिक्योरिटी टाइज। देखिए वियतनाम और चाइना या जापान दोनों का एक ही एनिमी है जिसका नाम क्या है, चाइना। चाइना से दोनों की प्रॉब्लम है, और इसलिए वियतनाम और जापान जो है मिलकर रहना चाहते हैं, और कोई भी कंट्री अगर मिलकर रहना चाहती है तो ये क्या करेगी, ट्रेड को बढ़ाएगी और सिक्योरिटी वगैरह जो है एक दूसरे के साथ साझा करेगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वियतनाम के साथ जापान, यानी कि डी नंबर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ से आप देख लीजिए जापान और वियतनाम के दोनों के जो काउंटर पार्ट हैं आपको यहाँ से दिख जाएगा, जापान के प्राइम मिनिस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए ये जो कंट्री है ना न्यूजीलैंड, इसने पूरी तरह से अपने आप को लॉकडाउन करके रखा था 2 साल तक, और ना यहाँ से कोई बाहर जा सकता था ना यहाँ से कोई बाहर से कोई आ सकता था। न्यूजीलैंड ने बहुत ही स्ट्रिक्ट जो है लॉकडाउन अपने यहाँ लगाया था, और फिर से फाइनली जो है यहाँ पे टूरिस्ट के लिए है इस देश को खोल दिया गया, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। न्यूजीलैंड टू री अपॉन बॉर्डर्स, यानी कि इसने अपने बॉर्डर को ओपन कर दिया है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिसेंटली विच स्टेट CM लॉन्चेज मिशन टू रिवाइव पॉन्ड्स, यानी कि तालाबों को रिवाइव करने के लिए किस प्रदेश के यानी कि स्टेट के CM ने जो है स्कीम लॉन्च करी है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरियाणा, मनोहर लाल खट्टर ने ये अनाउंसमेंट करी है, यानी कि बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, उससे पहले आपको बता दूं अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो, मैंने आर्मी स्कूल की एग्ज़ाम को 3 बार करेक्ट कर चुका हूं मैं, और आपके काम में ये आएगा। देखिए 699 रुपये की इसकी प्राइस रखी गई थी, जिसे हटाकर अब 599 रुपये कर दिया गया है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दे दिया जाएगा। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए, इंस्टा पे हो तो फॉलो कर लीजिए @imithunsingh। एक और बात, 100 रुपये में अगर किन्हीं को सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, नोट्स नहीं चाहिए, तो वो पेपर भी ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, PM मोदी किन देशों के लिए जो है यूरोपियन कंट्रीज़ का टूर करने वाले हैं, 2 कंट्री, 4 कंट्री, 5 कंट्री या 3 कंट्री? तो इसका जो राइट आंसर है 3 कंट्री, याद रखिए 3 कंट्रीज़ वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। देखिए PM मोदी जर्मनी जाएंगे, जहाँ पे 3 यूरोपियन विजिट ये करने वाले हैं, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शायद एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। बर्लिन में ये जाएंगे, और वहाँ से ये जो है अलग अलग जो और देश के जो PM हैं या फिर प्रेसिडेंट हैं उनसे ये मुलाकात करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, रिसेंटली विच स्टेट CM पेस ट्रिब्यूट टू दोज हु सेक्रीफाइड लाइव्स फॉर
स्वामियुक्ता मूवमेंट, स्वामियुक्ता यानी कि संयुक्त मूवमेंट के लिए जो है, संयुक्त आंदोलन के लिए जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र, सीएम उद्धव ठाकरे। एक्चुअली उद्धव ठाकरे अब सीएम नहीं रह चुके हैं, ये एक्स हो चुके हैं। करंट जो है शिंदे साहब हैं, जो कि शिवसेना के ही थे लेकिन उन्होंने जो है बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री सिक्योर्स $8 बिलियन सऊदी पैकेज ड्यूरिंग शहबाज शरीफ विजिट। तो देखिए शहबाज शरीफ कहाँ के हैं ये आपको पता होना चाहिए, कतर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या तुर्कमिस्तान। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा पाकिस्तान के, ये शहबाज शरीफ जो है नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इमरान खान को आर्मी ने वहाँ पे हटा दिया है, एक्चुअली वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर, जिसके कारण शहबाज शरीफ जो है सऊदी गए और उनको 8 बिलियन जो है पैकेज मिल चुका है, ताकि पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख ना मांगना पड़े इस देश को, सऊदी ने मदद कर दी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच कंट्री एक्सपोर्ट ओवर 100 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल इन अप्रैल। आपको बस ये बताना है कि 100 बिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल जो है अप्रैल में कौन निर्यात करने वाला है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इराक। इराक इज द राइट आंसर, बी के साथ आपको जाना था। बढ़ेंगे फाइनली जो है द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी आ चुकी है। देखिए इसे पेन पेपर पे जरूर नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया तो दबा लीजिए। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसेस द इनॉग्रल ऑफ ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाईकोर्ट, यानी कि हाईकोर्ट के सारे चीफ जस्टिस और सारे चीफ मिनिस्टर को किसने जो है ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है एड्रेस किया है। तो उनका नाम क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेज द ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो देखिए नीति आयोग ने जो है इसकी ड्राफ्ट जो है बैटरी, जो बैटरी की स्वैपिंग होगी उसकी अनुमति दे दी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट विच कंट्री प्लान्स टू बाय ऑल द टॉप साइंटिस्ट ऑफ रसिया टू डिस्ट्रॉय द रशियन डिफेंस इंडस्ट्री। देखिए ये यूएसए बहुत पहले से करता आ रहा है, रसिया के साइंटिस्ट को बहुत सारा पैसा देकर इस रसिया के साइंटिस्ट को खरीद लेते हैं, अपने यहाँ काम करने के लिए बुलाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप लोगों से रिक्वेस्ट है नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वंटी का बटन दबा देना है। Thank you so much for watching this video. Keep reading, keep learning, keep growing.